हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में बेबी जेसिक ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। बेबी जेसिक ड्रॉप का मुख्यतः उपयोग बुखार और दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये ड्रॉप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस ड्रॉप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये 15 ml का ड्रॉप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। पायरेजेसिक ड्रॉप में इच ml कंटेंट में मतलब 1 ml के ड्रॉप की मात्रा में पैरासीटामोल IP 100 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। 1 ml मतलब 20 बूंद होते है। इसमें मौजूद पैरासीटामोल यह ड्रग बॉडी में मौजूद उन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप की यूजेस की। डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का मुख्यतः उपयोग बुखार की समस्या दूर करने में, मांसपेशियों का दर्द जिसे हम मस्कुलर पेन कहते हैं उसकी समस्या दूर करने में, कई बच्चों को वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण लगाने के बाद वैक्सीन वाली जगह पर दर्द और साथ में बुखार भी आ जाता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस ड्रॉप को प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार बच्चों को चोट लगने पर या फिर फोड़े फुंसी आने पर होने वाले दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस ड्रॉप का यूज करते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस ड्रॉप का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखे दोस्तों, यह एक पीडियाट्रिक ड्रॉप होने की वजह से इसे केवल 1 से 12 महीने के बच्चों के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का डोज आपके बच्चे के वजन पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल कीजिए। इसे अपने मन से घर पर इस्तेमाल न करें। 3 से 5 किलो के वजन के बच्चों को ये ड्रॉप 0.6 ml टू 0.8 ml दे सकते है। 5 से 8 किलो के वजन के बच्चों को ये ड्रॉप 0.8 ml टू 1.2 ml दे सकते है। 8 से 10 किलो के वजन के बच्चों को ये ड्रॉप 1.2 ml से लेकर 1.5 ml तक दे सकते है। साइड इफेक्ट, इस ड्रॉप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपके बच्चे को इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो उसे बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते है। यदि उसे बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल से उसे सूजन, स्किन पर लाल चत्ते आना, दस्त, उल्टी, मितली, खुजली ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस ड्रॉप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपके बच्चे को इस ड्रॉप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर उसे इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस ड्रॉप का यूज ना करें। अगर आप अपने बच्चे को पहले से कोई अन्य एंटीबायोटिक या फिर अदर ड्रॉप दे रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस ड्रॉप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपके बच्चे को लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस ड्रॉप को ओवरडोज न पिलाए। जितनी मात्रा आपके डॉक्टर ने बताई है उतनी मात्रा ही उसे पिलाए। इसे ज्यादा ओवरडोज पिलाने से आपके बच्चे के लीवर को हानि हो सकती है। इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें और बाद में ही अपने बच्चे को दे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।